सभी के क्रॉस चाहिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में जरूरी नहीं है कि ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, हम कोई भी पॉइंट बना देते हैं, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, राइट, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये देखिए, ध्यान दें, ए से करंट एंट्री कर रही है और बी पर निकल रही है, ए बी के क्रॉस चाहिए हमारा, तो ए से बी पर जाने के लिए दो ब्रांचेस हैं, एक तो ये नीचे वाले में जिसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ए से बी पर ये कितना हो गया, ये दिस इज 6 ओम, राइट। और ये देखिए जो अपर पार्ट है ये कितना है 3 ओम, उसके साथ सीरीज में है क्योंकि सेम करंट फ्लो करेगी, और 5 इस 5 ओम में भी, तो ये तीनों सीरीज में है, तो 3 प्लस 4 कितना हुआ 7 प्लस 5 12, तो ये अपर पार्ट जो है ए से बी पर ये जा रहा है अपर पार्ट, इसका रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, तो दिस इज 12 पैरेलल 6, और कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट बाय सम 12 * 6 डिवाइडेड बाय 12 + 6 दैट इज 18 ओम, ये कितना हो गया 6 3 18 और ये 3 4, तो दिस विल बी 4 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4 ओम।